एहतियात से भाई एहतियात से, उठा ले उठा ले, डंडा उठा ले, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ छोड़, पीछे पीछे आ जा भाई, पीछे आ जा पीछे आ जा, लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे, बस बस बस, और तुझे ठीक कर देते हैं। ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पार्ट टू लेके हाजिर हूँ, छोटा सा मैसेज आपको देना था जो कि बड़ा ज़रूरी था। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे पार्ट वन को देखा, खूबसूरत कमेंट्स किए, और ये जो छोटी सी हमारी टीम की काविश थी उसको आपने बहुत सराहा। ये आपके जो खूबसूरत कमेंट्स होते हैं इससे बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ता है और हमें पता चलता है कि दुनिया के किस किस मुल्क में कहाँ कहाँ पर हमारा प्रोग्राम राज की बात जो है वो देखा जा रहा है। जितने भी नए दोस्त इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम का पार्ट वन नहीं देखा, तो उनसे गुजारिश है कि इससे पहले वाला जो पार्ट था उसको देखें। उस पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, वहां पे क्लिक करें और पार्ट वन देखें, और उसके बाद जब इस पार्ट को आप देखने आएंगे तो आपको समझ आ सकेगी कि इसमें स्टोरी थी क्या और इस नौजवान के साथ जो मामला थे वो क्यों हुए, कौन सी ऐसी गलती थी और इस नौजवान तक जो है हम पहुंचे कैसे और फिर आगे के क्या मामलात हुए। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को आप लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। जिन दोस्तों ने बगैर सब्सक्राइब किए चैनल हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी जो है ना हमारे मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी इस पार्ट में आगे क्या हुआ। क्योंकि ये पढ़ाई के जरिए हम इनकी आजादी करवा देंगे, बिल्कुल पढ़ाई के जरिए, अल्लाह के कलाम के जरिए, अल्लाह ताला जर दे। मुझे ये नहीं समझ आती है आशिक भाई, ये रस्सी बंधी हुई है, इतना ताकत से जोर लगा रहा है, ये रस्सी तोड़ क्यों नहीं लेता, ये जंजीर तो नहीं है, रस्सी है, इस पे पड़ा हुआ है ना जी, उसको पीर साहब का, जो पीर साहब आए थे ना पहले वाले, अच्छा उसको इसको जकड़ गए हैं। अच्छा रस्सी पीर साहब पढ़ के, इसको पीर साहब ने पढ़ी है, इसके भाई ने मुझे बताया कि रस्सी पीर साहब ने पढ़ी है, और वो रस्सी जो है ना ये पढ़ी हुई रस्सी है, इसलिए ये नहीं वो कर सकता, अगर ये रस्सी को इससे खुल जाए ना, खुल जाए तो ये कांपना शुरू करता, गिर जाता है। ओके okay, ये वो पीर बांध गया इसको, पीर बांध गया, तो पीर कोई ऐसा बेवकूफ था, इसको सही कर देता, बांध क्यों गया, ये तो कोई हल ना हुआ ना, रोजी की है ना सर, वो उससे काम ज्यादा हो, हैवी हो, नहीं यार जो बांध गया इसको कवर कर गया सर, ये ऐसे होता है, कवर तो उसने कर लिया है सारी, लेकिन पता क्या उससे हैवी काम होगा ना, तो इसकी ये शेव शूव हुई हुई है, ये ऐसे देखने शेव ये खत बना हुआ है, ये जो भतीजा है छोटा इसका, ये इसको नई को ले आता है, वो इसके कर देता सारा काम, ये खत वात यही बना करने देता है, करने उस ये जब भतीजा इसका आता है ना छोटा, उस वक्त ये करने देता सारे काम, दिन में ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, अच्छा वो दिन में किसी बात भी, ये अगर ये बंधा हुआ है इतने अरसे से, कसौर भाई इसकी ये आप देखे ना खत बना हुआ है बिल्कुल, और बाल शाल ठीक है, छोटा बच्चा हुआ था ना, ये सारे हाल मुझे देता जाके वहाँ पे। अच्छा भाई कुछ करें इसका अगर हो सकता है, ये एक बहुत नेकी का काम है, इसमें चाहे हमें कोई नुकसान भी हो इस नेकी के काम में तो मसला नहीं है। अच्छा भी एहतियात से, अच्छा भी एहतियात से, एहतियात से, एहतियात से भाई एहतियात से, उठा ले उठा ले, डंडा उठा ले, पीछे हट जा पीछे हट जा पीछे हट जा पीछे हट जा, आशिक भाई ख्याल से ख्याल से, ख्याल से ख्याल से, ये तुम्हें ठीक करने है, पीछे ठीक करने है तुम्हें, ठीक करने है भाई, ठीक करने है यार, तेरे असरात खत्म हो जाएंगे मेरे भाई। अच्छा भाई करीब ना जाओ यार, बिफरा हुआ है, एहतियात करो भाई, यार आशिक भाई दूर से भी पढ़ाई हो सकती है ना, ओए नहीं छोड़ इसको, छोड़ दे छोड़ 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 दे छोड़ दे छोड़ 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 छोड़
सर वापस आए, वापस आए। मैं आपको कह रहा हूँ आशिक भाई, करीब नहीं जाओ यार, दूर से पढ़ाई नहीं हो सकती। मैंने कहा शायद हो सकता है। भाई उठा के मार दे कोई चीज, फायदा है? ये पकड़ो तस्वीर। मैं आपको कह रहा हूँ दूर से पढ़ाई करो यार, कुछ कर सकते हो मेरे भाई, माजरा दूर से पढ़ लो मेरे। करूंगा इंशाल्लाह। आप इतना नजदीक चले गए, उसके हाथ भी जख्मी कर दिया। अब मैं सर ना इसको लगाऊंगा कड़ा। आशिक भाई ये आपकी पढ़ाई से और हाजिरी हो गई है इस पे, है ना? क्या हुआ? हाँ जी बिल्कुल हाजिरी हो गई है, अब इंशाल्लाह असरात में इसके खत्म कर दूंगा। करो इंशाल्लाह। ओए इंसान बन, बेटर है, बेटर है तो ठीक कर रहे हैं। इस तरह करें सर, इसको पकड़े ना अभी सर जी, अभी इसको करते हैं इसका इलाज। इंसान बन, करीब नहीं आना इंसान बन। आशिक भाई यहीं से पढ़ाई कर लो, कड़ा लगा लो, उसके पास ना जाओ। ओए बैठा रहे आराम से, कुछ नहीं कहते। लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे, बस 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 ठीक है ठीक है, लग गया लग गया लग गया कड़ा, हैं बस ठीक हो गया। आराम से बैठा रहे, ठीक हो जाएगा तू। बड़ा जोर है इसके पास। बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, आसे भी खामोश रहे। ये ठीक हो जाएगा। तुझे ठीक करने आए? तुझे ठीक करने आए मेरे भाई? अच्छा भी नज़दीक ना जाओ इतना। नहीं सर वो ज़रा ढीले हो गए। अच्छा हाँ जी, अब जब मैंने कड़ा लगाया ना हाँ, वो अब ढीले हो गए। जाएं से पकड़े। ओ भाई मैं नहीं जाता सर, मेरे पास काफी असर, मैं नहीं जाता यार, काफी असर मैंने खत्म कर दिया। अब जब ये एक जगह पे होगा ना, तुम दोनों पकड़ोगे ना एक जगह पे होगा, फिर मैं पढ़ाई करूंगा, ये असरात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आप जाएं, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं होगा। ओ यार ये मार रहा है, चीजें आपके सामने आशिक भी नजर आ रही है यार। यार कुछ भी नहीं होगा सर, जाए आप जाएं। चलते हैं सर, देखते हैं। सर जाएं, अब मैं आपके साथ हूँ, चल मैं आगे जाता हूँ। आओ एक मिनट, ओए इंसान बन,
पीछे होके बैठ मेरे पास, बात सुन। अब बात करें, इसको समझाएं। तेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ओए मुझे देख, मुझे देख। ओए कुछ नहीं होता, ये तेरे भले के लिए आए हैं। भले, मेरी बात सुन। तेरे भले के लिए आए हैं। अच्छा बच्चा है ना, अच्छा बच्चा, मेरी बात सुन। अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। पकड़ लो, पकड़ लो, पीछे से पकड़ के बैठ जाओ। पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ पकड़ ले, दबा दे दोनों हाथों से। जी दोस्तों, यहाँ पे जो है वो आसिफ साहब जब उसको पकड़ते हैं तो उसने कुछ इस तरह से आसिफ साहब पे हमला किया और इस तरह से कुछ हरकतें की जिसकी वजह से हमें कुछ वीडियो को स्किप करना पड़ गया है और कुछ थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसको सेट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए हमने तशद्दुद तो नहीं कह सकते, हल्का फुल्का जैसे होता है निज़ाम होता है एक आमिलों का, तो वो हमने उसके साथ किया था, तो उस हिस्से को हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि आप किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकते, आप किसी के साथ इस तरह के मनाजिर जो है वो आप दिखा नहीं सकते, जिसकी वजह से कुछ वीडियो का हिस्सा हम इसमें स्किप करें और उसको थोड़ा सा सेट करने के बाद, उसके मामला देखने के बाद, उसको ज़रा तरीके से चीज़ें करने के बाद, हमने जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो उसके बाद की जो वीडियो है वो आपको दिखाते हैं और फिर देखें कि उसके साथ आगे जो है वो क्या हुआ। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ के आज भी दबा के रख। हम नहीं जाता, मैंने चीज पकड़ ली इसकी। ओके ओके, और तुझे ठीक कर देते हैं। तुम बताओ, देखो मेरे पास सुनो, क्या चाहते हो? कुछ नहीं, तुम्हें ठीक कर देते हैं। ठीक ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। ये आशिक भाई आपको अभी ठीक कर देते हैं। ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है मेरा भाई, अभी ठीक हो जाएगा। सही हो जाओगे, सही हो जाओगे। आसिफ भाई कुछ ढीला हुआ है? सही हो गया मेरा भाई, अभी ठीक हो जाएगा, शाबाश, अभी तो ठीक कर लेते हैं। शुक्र है। उठो भाई, लाइट भी खत्म हो गई है। हेलो सर, आप ना उठाएं, हैं ना उठाएं से, क्यों? ये 10-15 मिनट के बाद ना, ये अभी बेहोश हो गए, 10-15 मिनट के बाद रात खत्म हो गए, रात खत्म हो गए, 10-15 मिनट की बात है। हाँ, और 10-15 मिनट के बाद इससे होश आ जाएगा, जब ये होश आएगा इनके घर वाले को हम कह देंगे जब आप उनको वहाँ से ले आए, और हम इनके सामने नहीं आएंगे, हम यहाँ से, हम इसके भाई को बता देते हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे, इसके भाई को बता देते हैं। हाँ, हम यहाँ से चले जाएंगे, इनके भाई को ये बताएंगे यहाँ से भाई खड़े हैं, ये ठीक है? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह, ये देखो बिल्कुल ठीक हो गया, सेट है ये अभी, ये देखो, चलो आ जाओ, कुछ भी नहीं, आ जाओ, चले। आप उधर चलें, आते भाई उधर चलें, सर आप भी चलें उधर, मैं थोड़ी देर और पढ़ाई कर लूँ। लाइट बंद हो गई है मेरी, कसर भाई आप उसी कैमरे से कर लो फिर।
बैटरी खत्म हो गई। आसिफ भाई ये डंडा उठा लें, अल्लाह का शुक्र है हम बिल्कुल ये ठीक हो चुका है। आ जाए फिर अब 10-15 मिनट के बाद हो जाएगा। ओके इंशाल्लाह। आ जाओ छोटे, उसके कजन को भी भेज दें, दोनों कजन जो आए हुए थे। आसिफ भाई इनको ले आए, जी ये आ गए हैं उनके, इधर हैं यार, इधर हैं। आपका कजन है, आप ऐसा करो इधर है यार, आप भी आ जाओ। आपका कजन है ये, आपका चाचू बिल्कुल ठीक है इस वक्त, ठीक है ना। इसको आधे घंटे के बाद, 15 मिनट कितने आशिक भाई, 15 मिनट के बाद आप यहाँ पे खड़े हो, इसको आपने घर लेके जाना, ये बिल्कुल ठीक है, इस पे असरात खत्म है, आप इसकी टेंशन ठीक हो जाएगा। 15 मिनट बाद इसने ठीक हो जाना है, फिर इसको आप घर ले जाएं। इसके असरात हमने खत्म कर दिए हैं, वो जो बाबा है ना हमारा, इसने असरात इसको खत्म कर दिए, जैसे तैसे किया, ठीक है। आप इसको आप घर ले जाएं, फिर आपको कोई मसला हो तो आपने इनको बताना है, आसिफ भाई को। बहुत बहुत आप आ जाओ सर, कोई मसला नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब ये जोश की वजह से ये अब बेहोश हो गया। ओके, अब जैसे इसे जोर लगा रहा था ना, हाँ जैसे ये इसे होश आएगा ना, और ये इनके साथ चला जाएगा। ओके आ जाए फिर, आप इसको घर ले जाएं, जब उधर साथ ही खड़े हो जाएं। मुबारक हो जी। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो। जी दोस्तों, ये छोटी सी हमारी काविश थी, एक भाई जो के अरसा दराज से यहाँ पे बंधे हुए थे इस इमारत में, और आसिफ भाई को भी इसकी दुआ लगेगी, जारी बात है इनको, इन्होंने सारा उसकी निशानदेही की। और आपका भी बहुत शुक्रिया आशिक भाई, आपने आज बहुत मेहनत की है, धक्का भी पड़ा है आपको। मेहनत तो करनी पड़ती है सर, अब इस काम में फिर मेहनत तो करनी पड़ती है। आपकी तबीयत भी अजीब सी हो गई थी, एक दफ़ा आपकी टांग भी पकड़ ली। हाँ जी टांग पड़ी और थोड़े दिन मुझे रगड़ भी लग गई यहाँ पे। वो क्या नहीं, इसके ऊपर असरात बहुत सालों से, पहले थे 2-2.5 साल पहले थे, वहीं था, अब इन्होंने इधर आके बांध दिया। मेरे ख्याल कोई ये कहते हैं आसिफ भाई कोई पीर वगैरह आया वो। बहरहाल चलें जी, मामला ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है, फिर इसका एक इंटरव्यू करेंगे जब ये ठीक हो जाएगा इनके घर वाले। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ये मसाइल हल करते हैं, और मसाइल अल्लाह हल करते हैं, हम तो क्या कहते हैं, हम प्रोग्राम की लालच में समझने निकले रहते हैं, और क्योंकि आम तौर पर हमारे से अगर कोई फ़ोन पर रब्ता करता है तो हम उनसे माजरत कर लेते हैं, प्रोग्राम की हद तक जैसे हम भी ये होता है कि चलो कोई ना कोई एपिसोड भी शूट हो जाए और साथ में किसी की तबीयत भी ठीक हो जाए, तो ये कोशिश की है। बाकी शफा देने वाला अल्लाह की ज़ात है, और सारे ये दोस्त देखते हैं पसंद करते हैं तो दुआएं करते हैं, तो उसकी वजह से ये है कि मामला ठीक होते रहते हैं। तो आशिक भाई ने मेहनत की है आपने जी, आशिक भाई गुड आदमी है, बहुत मोहब्बत वाला, आप बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत शुक्रिया आशिक भाई आपका, बहुत शुक्रिया। नेकी का काम करने से जो है ना कितना ही सवाब है, कितना मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास इतना इल्म नहीं है मैं सारी चीज़ें आपको बता सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है जी आज की छोटी सी कोशिश थी, किसी इंसान की ज़िंदगी बच गई तो यूँ समझे कि पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बच गई। अल्लाह पाक हम सब का हम युनासिर हो, और ये हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करें और सब्सक्राइब भी करा करें। ओ यार वो तो चलते रहते हैं, अब मैं मेरे चीज़ जब इस तरह के इमोशनल मामलात होते हैं तो मेरे जहन में ये चीज़ें लोगों को कहना कि सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारे दोस्त जैसे ही वीडियो देखते हैं खुद ही पहले ही लाइक कर देते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है। अब इस मामलात में मुझे ये चीज़ें याद ही नहीं रहती कि मैंने लाइक और सब्सक्राइब कहना है। बहरहाल देखिए जी राज की बात हर बच्चा देख रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
अगर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन को प्रेस करके कर सकते हैं। शुक्रिया।